हनुमानगढ़ के लखवाली हेड राजस्थान नहर में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना आपदा प्रबंधन टीम को मिली थी। राहुल मिश्रा के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम लखवाली हेड पर राजस्थान नहर के किनारे पहुंची और उन्होंने अपना काम शुरू किया। बताते हैं कि 23 जून को यह रात की घटना है। वादरा गांव के मोटसरा के सुरेंद्र कुमार के रूप में इसकी पहचान हुई है। राजस्थान नहर लखवाली हेड पर बड़ी नहर है और ये जैसा कि राहुल मिश्रा ने बताया कि बड़ी नहर के अंदर हमारा ये पहला रेस्क्यू था और कुंडी लगाकर हमने कार का पता किया। बड़ी मशक्क़त के बाद इस कार का पता लग पाया क्योंकि इस नहर के अंदर पानी का बहाव बहुत तेज है और यह सबसे बड़ी नहर है। क्रेन के द्वारा कार को बाहर फिर निकाला गया। कार के अंदर से सुरेंद्र कुमार की लाश भी बरामद हुई है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य राहुल मिश्रा का क्या कहना है वह भी आप सुने। आज सुबह हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कल रात लखवाड़ी में हेड में एक सिख विधायक एक युवक नहर में गिर गया है। सूचना मिलने पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे और मौका देखा। देखने के बाद में हमारे गोताखोरों को नहर में उतारा गया और उन्होंने कुंडी के माध्यम से नहर के अंदर कुंडियाँ लगाई और कुंडी अड़ने पर गोताखोर नीचे जाके चेक किया। हमें लगा गाड़ी यहीं पर है और गाड़ी थी भी वहीं पर। उसके बाद में रस्सी द्वारा गाड़ियों को बांधा गया। बांधने के बाद क्रेन द्वारा उसे बाहर निकाला गया और हमें सफलता मिली है। ये हमारा पहला ऐसा रेस्क्यू था इस बड़ी नहर पे जिसे हमारी टीम ने बहुत अच्छे से निभाया है। सर, जो व्यक्ति गिरा था वो कहाँ का था? वो भादरा के पास मोरसरा गांव का था। सुरेंद्र कुमार, उम्र 28 वर्ष, कल रात को वो नहर में गिरा था। सर, बॉडी निकाल ली गई अब? हाँ जी, बॉडी निकाल दी गई है। बॉडी कार के अंदर ही थी और लखवाली थाना के अंदर हमने रिपोर्ट कर दी है। मैं नागरिक सुरक्षा से राहुल मिश्रा। जैसे आपको बता दें कि राजस्थान कैनाल जो है बहुत बड़ी नहर है और बहाव क्षेत्र से आपदा प्रबंधन की टीम को काम करना बड़ा मुश्किल था, परंतु फिर भी टीम ने हौसला रखते हुए, पूरी टीम ने एकजुटता दिखाते हुए लाश को कार सहित बाहर निकालने में सफलता पाई है। आपदा प्रबंधन टीम के लिए बड़ी नहर में काम करना होता है चुनौतीपूर्ण, परंतु यह टीम घबराई नहीं। टीम ने होशियारी से अपने मिशन को कामयाब किया है और लाश को लखवाली पुलिस के हवाले कर दिया है, परंतु अभी तक सुरेंद्र कुमार के इस तरह से घटना घटित होने और कार सहित नहर में डूबने के कारणों का अभी पता नहीं चला है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल गया जाएगा कि इसका कारण क्या था। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।